एप्लीकेशन नहीं मिल रही होती है, तो करें कई सारे कारण होते हैं, कोई कोर्ट वो स्पोर्ट्स वाले केसेस होते हैं, तो सबको मद्देनजर रखते हुए हम इस पर एक्शन कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि शीघ्र लेवल 2 की कार्रवाई जारी होगी। सर लेकिन कितना समय लग सकता है? अब समय तो ज़्यादा लगना नहीं चाहिए, हम चाहेंगे कि ये जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी उससे पहले हम पूरा कर दें, जितना हमारे बस में है हम पूरी कोशिश करेंगे। फायरमैन का बेटा ये था कि अभी एक डील पे से हमने टीम मंगाई थी और वो सारे दस्तावेज की जांच कर रही थी और उनकी रिपोर्ट हमको मिल गई है, तो बस अभी हमारी प्रक्रिया जारी है। चूँकि कई सारी भर्तियाँ इकट्ठी होती हैं, कई सारे एग्ज़ाम इकट्ठे चल रहे हैं, कई सारी चीज़ें चल रही हैं, साथ साथ में करनी पड़ती हैं, स्टाफ लिमिटेड होता है तो हर चीज़ एग्जाम में नहीं कर पाते, तो हम कोशिश करें जितना जल्दी हो सके सबको करें। हम अभ्यर्थियों के लिए यही एक मैसेज है कि जाल में ना आए उन यूनिवर्सिटीज़ के जो कि सही तरह से कोर्स नहीं कराते, और कई बार मुझे शक भी होता है कि वो यूनिवर्सिटीज़ फर्जी तो नहीं है, क्योंकि बच्चों को कोर्स करा देते हैं और कोर्स कराने के बाद में उनके पास मान्यता नहीं होती है, उसकी मान लो NCT की मान्यता नहीं है, UGC की मान्यता नहीं है, तो वो सब फिर शक के दायरे में आ जाते हैं। तो बच्चों ने यदि वास्तव में कोर्स किया है, कई बार मुझे उस पर भी शक है कि बच्चों ने वास्तव में कोर्स किया है, यदि किया भी है तो उनके 2 साल और इतना पैसा बर्बाद हो गया क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में मान्यता नहीं है, उसके डिग्री को मानेंगे नहीं हम। तो जैसे भी DPED के केस में हुआ, 46 बच्चों का हमने भी उनको अपात्र घोषित किया, 10 बच्चों को हम और अपात्र घोषित करने वाले हैं। तो कहने का मतलब है इससे बच्चों को परेशानी होती है, और मेरी सबको ये सलाह है बच्चों को, सभी अभ्यर्थियों को, कि वो दलालों के चक्कर में ना पड़े, गलत यूनिवर्सिटी के चक्कर में ना पड़े, डिग्री ना खरीदें, मेहनत से पढ़ें, मेहनत से एग्जाम पास करें और फिर उसके बाद में सरकारी नौकरी में आएं। सर मेरा आपसे एक सवाल है, जब आपने यहाँ पर आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था तो आपने पहला कहा था कि मैं ट्रांसपेरेंसी रखूंगा और फर्जीवाड़ा में रोकूंगा, जितने भी सत्यापन होते हैं दस्तावेज सत्यापन जिसमें फर्जी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट होती है, एक्सपीरियंस लेटर होते हैं, तो सर देखो इसका सिस्टम नहीं, ऐसा नहीं बन सकता कि सारा ऑनलाइन सब चेक कर सकते हैं? सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, हमारी कोशिश होगी, तो अभी हमने इसकी इनिशिएटिव लिया है, हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको ऑनलाइन हम DV कराएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें, तो हम शुरुआत करेंगे छोटी भर्तियों से जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स का ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेंगे और फिर बाद में जैसे ही इसकी सक्सेस मिलेगी हम बड़ी भर्तियों में भी करेंगे। अब आपको मुझे आदत देनी पड़ेगी, मुझे जाना है किसी काम से, तो आप रिक्वेस्ट है ना। जय हिंद।